स्वागत है आपका कैश करले में। आज हम बात करने वाले हैं मेलबोर्न वर्सेस होबर्ट हैरिकेन्स के जो मैच आज विमेन बिग बैश लीग का होने जा रहा है। ठीक 1:40 पे ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपको हम लगातार बने रहेंगे, स्कोर से अपडेट करते रहेंगे, दोनों ही टीम्स के बारे में A to Z सब कुछ डिटेल फुल मैच एनालाइज आपको सिर्फ कैश करले पर हम आपको देने वाले हैं। तो लगातार आपको जुड़े रहना है कैश करले के साथ, और साथ ही जब 1:30 बजे यानी कि 1:40 पर जब मैच शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आप प्रिडिक्शन का जो कॉन्टेस्ट है वो भी शुरू हो जाएगा, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि टीम जो है वो शुरुआती 6 ओवर में कितना स्कोर कर लेगी। और मेरे साथ यहाँ पर मनोज भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और बहुत सारी क्रिकेट नॉलेज जानेंगे। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मनोज, ये जो मैच हो रहा है मेलबोर्न वर्सेस होबर्ट का, तो ये कहाँ पर हो रहा है और पिच रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इसकी? जैसे कि मैंने बताया था कि ये बताया तो अभी था ही नहीं कशिश, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये होबर्ट में ये मैच होने वाला है। यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बैटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि जो दोनों टीमों की जो बैट्समैन हैं वो क्या कर पाती है, क्योंकि दोनों टीमों में कहीं ना कहीं मुझे होबर्ट हैरिकेन्स थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम में ज़बरदस्त मेलबोर्न रेनेगेड्स की भी है विकेट। यहाँ पर बैटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये बैटिंग किस हिसाब से कर पाती है। होबर्ट के जो कहीं ना कहीं पड़ रहा है वो आज भारी रहने वाला है जैसा कि मनोज ने बताया। और यहाँ पर अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही टीम्स में से किसको सपोर्ट करने वाली है पिच? देखिए दोनों टीमों में ही मतलब कंसीडर्ड तो बैट्समैन होते हैं, दोनों टीमों में भी बॉलर होते हैं, बट जो थोड़ी सी बॉलिंग क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं होबर्ट हैरिकेन्स की ज़्यादा है, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं होबर्ट हैरिकेन्स के फेवर में जो आपका विन प्रिडिक्शन है वो शायद इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए कशिश। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम दोनों ही टीम्स के टीम फॉर्म की बात कर लें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले मेलबोर्न का, जिसमें हम मेलबोर्न के अगर हम लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 5 परफॉर्मेंस में से सिर्फ 1 मैच मेलबोर्न ने जीता है और 4 मैच इन्होंने हारे हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखना होगा कि मेलबोर्न का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहता है। और वहीं अगर मैं होबर्ट टीम की बात करूं तो वहां पे 5 मैचेस में से 2 मैच ही जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के कंपैरिजन में जैसा कि मनोज ने बताया होबर्ट का जो पड़ रहा है वो भारी है। और यहाँ पर अगर मनोज मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पर मेलबोर्न का स्क्वाड क्या कहता है? मेलबोर्न का स्क्वाड तो जैसे कि मैं उनकी एक गेंदबाज है स्मेल, वो बढ़िया लगती है मुझे। और देखिए जो और इनमें मैं बात करूँ तो जगह प्रेस्टीज को मैं जान, चमारी अत्तापत्तू भी इसमें है और ईमी जॉन्स इंग्लैंड की है, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है कहीं ना कहीं, तो प्रेस्टीज है, डॉनवेल है और काटे है और जॉन डूली है, स्मेल है और मॉलिनेक्स, तो ये इनका कुछ ऐसा स्क्वाड रहने वाला है। और अब बात करो वहीं दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम में क्या है कशिश? दूसरी टीम के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो दूसरी तो टीम दूसरी का टीम की स्क्वाड की बात करूँ तो एलिश विलानी है, नैक कैरी, ली ड्यूक्रूज, गिब्सन, ग्रैम एंड जॉनटन एंड सिल्वर होम्स, ए स्मिथ और स्ट्रेनो जेंसिन एंड ट्रामेन एंड और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इस मैच को मेलबोर्न जो लास्ट मैच ही जीत पाई है उससे पहले सारे मैच उन्होंने हार गई थी, तो ये मैच थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये क्या होबर्ट जीतेगी तो मुझे भी यही लगता है, ये तो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच कहीं ना कहीं मेलबोर्न जीत सकती है।
बिल्कुल। और यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, अमनंत खान कह रहे हैं कि होबार्ट जीतेगी, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होबार्ट टीम है उसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट मैचेस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर होबार्ट जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली ये बात होगी कि आज ये कैसी बैटिंग कर पाती है जो मेलबोर्न रिगार्ड्स है, रेनिगेट्स है, और होबार्ट हेनरी केज है, और इनके जो कुछ जो मोस्ट बैट्समैन है, विलानी है और ड्यूप्रूज भी मुझको काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को होता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी हिट्स लगाती हैं। और ड्यूप्रूज के साथ एमी जॉन्स को मैं देखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो एमी जॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं शानदार प्लेयर हैं। एमी जॉन्स इंग्लैंड को कहीं ना कहीं, इंग्लैंड से वो खेल चुकी हैं, उनके पास मैं कहूँगा कि बहुत सारा अनुभव है उनके पास, तो देखते हैं आज एमी जॉन्स और ड्यूप्रूज और ली ये क्या कर पाती है। बिल्कुल, ये थे यहाँ पे स्क्वाड की बात। अगर हम अब बात करें हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में जो लास्ट 5 मैचेस हैं उसमें से 5 मैच मेलबोर्न ने जीते हैं और 5 मैच ही होबर्ट ने जीते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं इक्वल पे ही चल रही हैं। बट आज का मैच देखने लायक होगा कि आज के मैच में कौन जीतता है। वैसे जहाँ तक है जो परफॉर्मेंस है वो होबर्ट की कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रही है। और यहाँ पर अगर हम वेन्यू स्कोर की बात कर लेते हैं, तो इस वेन्यू पर जहाँ पर ये मैच हो रहा है होबर्ट में, वहाँ पर 10 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 20 मैचेस जो हैं वो मेलबोर्न ने जीते हैं और 50% मैचेस जो हैं वो होबर्ट ने जीते हैं। और वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो मेलबोर्न का 121 का एवरेज स्कोर रहा है और 127 का होबर्ट का एवरेज स्कोर रहा है। अगर हम दोनों ही टीम्स के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 159 मेलबोर्न का रहा है और 164 होबर्ट का रहा है। और वहीं सबसे कम स्कोर की बात करें तो 83 मेलबोर्न का रहा है और 94 लोएस्ट। ये तो हमने ओवरऑल की बात की, पर अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू में टोटल जो मैचेस खेले हैं वो मेलबोर्न ने 6 मैच खेले हैं और वहीं पर होबर्ट ने 10 मैच खेले हैं। तो यहाँ पर जो विनिंग की बात करते हैं अगर वेन्यू के बेस पे, तो 50% मैचेस जो है वो मेलबोर्न जीता है, और अगर होबर्ट की बात करें तो सिर्फ 20% मैचेस होबर्ट टीम ने जीते हैं और एवरेज स्कोर यहाँ पर 120 का रहा है और वहीं होबर्ट का एवरेज स्कोर 143 का रहा है। और यहाँ पर अगर हम वेदर रिपोर्ट्स की बात कर लें तो यहाँ पर 60% चांसेस हैं आज बारिश होने के, और ह्यूमिडिटी जो रहने वाली है वो 68% ह्यूमिडिटी है, और टेम्परेचर की बात करें तो 16.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहने वाला है। और अगर हम यहीं पर प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन कहता है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग करती है सबसे पहले उसके 48% चांसेस होते हैं जीतने के, उसी के साथ अगर जो बॉलिंग करती है सबसे पहले तो 52% चांसेस होते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर दोनों ही टीम्स में से कुछ देर बाद जो टॉस है वो हो जाएगा और उसके बाद देख, इस तरीके से हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो वेन्यू है उसके अकॉर्डिंग जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं कि बॉलिंग टॉस कौन जीतता है और टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करते हैं या फिर बॉलिंग। और यहाँ पर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, प्रिडिक्ट करते रहिए, क्योंकि कुछ देर बाद जो प्रिडिक्शन टाइम है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे 6 ओवर के लिए कि 6 ओवर में बैटिंग करने वाली टीम कितने रन्स बनाएगी। और यहाँ पर मैडम टोटल कितना बनेगा, कौन सी टीम जीतेगी, तो अभी टॉस के बाद आपको अपडेट करा देंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जैसे ही टॉस होता है अब आपके सामने पूरी टीम जब आ जाएगी हमारे पास प्लेइंग 11, उसके बाद हम आपको अपडेट कराएंगे कि इस मैच में कौन जीतने वाला है या इस मैच में कुछ अलग जो क्या होने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्या होगा। तो अभी जो स्कोर है वो स्कोर का भी जो प्रेडिक्शन है वो भी हम आपको जल्द बता देंगे, तो स्कोर की जो प्रेडिक्शन है वो भी अभी थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे। और बीरेंद्र जी, चौधरी जी, हेलो, हाय, और
और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में जो पोल है वो शुरू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर पोल भी कर सकते हैं और उसके बाद पोल करने के बाद आपको हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ जाना है और बताना है कि आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1:40 से जो मैच है वो शुरू हो जाएगा, उसी के साथ जो आपका प्रेडिक्शन करने का टाइम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो 1:40 पर, और सबसे पहले अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस भी कुछ ही देर में होने जा रहा है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो टॉस है वो कौन विन करता है और टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग चूज करती है या फिर बॉलिंग। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से ये मैच जो है वो होने वाला है और कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकती है। और यहाँ पर अगर हम वेन्यू की, हमने जैसे कि अभी मनोज ने सब कुछ बताया हमें कि यहाँ पर जो पहले बॉलिंग करती है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जीतने के, और वहीं अगर टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग चूज़ करती है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस कम होते हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आज स्कोर रहता है, लेकिन अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर की बात करें तो 137 यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है। वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो 128 सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट टोटल जो अभी तक बना है वो 173 का बना है 7 विकेट के नुकसान से, और वहीं जो लोएस्ट टोटल बना है वो 89 रन्स का बना है 10 विकेट के नुकसान से, और वहीं अगर हम सबसे हाईएस्ट चेस की बात की जाए तो 165 का स्कोर रहा है 6 विकेट के नुकसान से, और लोएस्ट डिफेंडेड जो है वो 115 का रहा है 3 विकेट के नुकसान से। तो मनोज, क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में? इस मैच के बारे में एक्चुअली मैंने बिग बैश को इतना फॉलो किया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच शायद लोग जो बता रहे हैं कि जो हॉबार्ट हेनरिकेज है वो ज़्यादा जीत सकती है, तो हो सकता है हॉबार्ट हेनरिकेज जीत जाए, लेकिन जो विलानी है और मेलबोर्न के भी अच्छे प्लेयर हैं, देख लिया आयली मैथ्यूज़ भी है, अट्टापट्टू भी है, और देखने वाली ये बात होगी कि ये दोनों कितने रन बना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेलबोर्न की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हॉबार्ट हेनरिकेज के पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं, चाहे ट्रेन मैन की बात करूँ, चाहे ड्यू क्रूज़ की बात करूँ, चाहे विलानी की बात करूँ या ली की मैं बात करूँ, तो बस यही है कि कौन सी टीम बैटिंग या बॉलिंग सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलती है वो टीम बिल्कुल जीत जाएगी। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर अगर हम रियल टाइम विन की बात करें तो यहाँ पर रियल टाइम विन भी बोल रहा है कि मेलबोर्न के सिर्फ 36% चांसेस हैं जीतने के, और वहीं होबार्ट टीम के 64% चांसेस हैं जीतने के। तो देखना होगा, और यहाँ पर स्पोर्ट्स का हमारे पास बोल रहे हैं होबार्ट ने टॉस जीत लिया है, होबार्ट वेमेन विन द टॉस एंड बोल। तो यहाँ पर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे जैसे ही हमारे पास अपडेट आता है। तो होबार्ट में कोई चेंजेस हैं या आपने अपनी प्रेडिक्शन की है या फिर आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके टॉस का क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, क्योंकि देखने वाली ये बात होगी कि जो हमारे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी आई नहीं है, तो जैसे ही आती है हम आपको अपडेट कराते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है ये, तो देखने वाली ये बात। और यहाँ पे होबार्ट ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग करने का चूज किया है, बिल्कुल सही है आप स्पोर्ट्स। और यहाँ पर हमारे पास भी अपडेट आ चुकी है कि होबार्ट ने जो टॉस है वो जीत लिया है और बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो यानी कि अगर हम
स्टैट्स और रिकॉर्ड के बेस पे देखें तो जो बैटिंग बॉलिंग करती है टीम सबसे पहले उसके जीतने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से आज का ये मैच रहता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए स्कोर से अपडेट और बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ कैश कर ले आपको आपके साथ लगातार बना रहेगा। साथ ही आपको जो कॉन्टेस्ट है उसके बारे में भी बता देते हैं। जो कॉन्टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में, यानी कि आपको बताना होगा कि बैटिंग करने वाली टीम जो है वो कितने रन्स बनाएगी शुरू के 6 ओवर में। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ 4 ओवर तक। 4 ओवर के बाद के जो प्रिडिक्शंस हैं वो वैलिड नहीं होंगे। तो कोई प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हैं या फिर वही सेम टीम है? तो अभी जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको अपडेट कराता जाऊंगा कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हैं या नहीं, और या फिर सामने वाली टीम में कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस हैं या नहीं। तो देखते हैं, अभी जैसे ही प्लेइंग 11 आती है हम आपको अपडेट करते हैं कि क्या होने वाला है इस मैच में और क्या नहीं। बिल्कुल, तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे मैच में हमारे साथ बने रहना है और हम आपको यहाँ पर सारे अपडेट्स देने वाले हैं। क्या टीम रहने वाली है, क्या पिच रिपोर्ट है, क्या हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस हैं, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ में आपको मौका मिलता है बहुत सारे कैश प्राइजेस जीतने का। जी हाँ, आपको बता दूं जो भी हमारे साथ व्यूवर्स नए जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि कैश कर ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे कैश प्राइजेस मिलते हैं। तो आपको करना क्या है कि 2 इनिंग होने वाली है मैच में, 2 इनिंग में जो पहला सेशन होगा, पहली इनिंग में आपको 4 सेशन मिलेंगे। 4 सेशन होते हैं, पहला सेशन होता है 6 ओवर तक का, दूसरा सेशन होता है 10 ओवर तक का, तीसरा सेशन होता है 15 ओवर का और चौथा सेशन होता है 20 ओवर का। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि बैटिंग करने वाली टीम, यानी कि मेलबोर्न ने बैटिंग चूज़ की है, तो जो बैटिंग करेगी टीम वो शुरू के 6 ओवर में कितने रन्स बनाएगी। ये आपको प्रिडिक्ट करना है 4 ओवर तक। 4 ओवर के बाद के जो प्रिडिक्शंस होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तो आपको सिर्फ 4 ओवर तक प्रिडिक्ट करना है कि मेलबोर्न टीम, बैटिंग करने वाली टीम 6 ओवर्स में कितने रन बनाएगी। और अगर आपका प्रिडिक्शन होता है बिल्कुल एक्यूरेट तो आप जीत पाएंगे बहुत सारे कैश प्राइजेस। ठीक ऐसे ही जो आपको दूसरा सेशन मिलता है 10 ओवर का, 10 ओवर में आपको प्रिडिक्ट करना है बैटिंग करने वाली टीम यानी कि मेलबोर्न कितने रन्स बनाएगी। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ 8 ओवर तक। 8 ओवर के बाद के जो प्रिडिक्शंस हैं वो वैलिड नहीं होंगे। तो इसी तरह आपको हर इनिंग में 4 सेशंस मिलेंगे और जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस।
और यहाँ पर हमारे साथ रुचिका और मनोज आ चुके हैं और मैं कशिश मैं भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और पूरा मैच देखने वाले हैं। कोई बताओ आज कौन जीतेगा, आप बताओ, प्रेडिक्शन करो और जीतो बहुत सारे कैश प्राइजेज। और यहाँ पर अगर हम जाने, रुचिका आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत सकती है आज? बिल्कुल, दो ये जो दोनों टीम्स हैं इनमें से ज़्यादा पावरफुल मुझे हॉबर्ट हरिकेन्स लगती है। तो मुझे लगता है कि नेम भी इतना पावरफुल है, इसमें जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी इतने पावरफुल हैं और इनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो भी यही कहता है कि जो ये टीम है ये आज फिर से जीत अपने नाम कर सकती है। जैसा अभी मैं इस लाइव में, इस क्रिकेट में, इस क्रिकेट के डिस्कशन में अभी नहीं जुड़ी हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक जल्दी से एक सम अप करके बता दीजिए मनोज कि ये मैच किन टीम्स के बीच हो रहा है, कब स्टार्ट होगा और स्टार्ट या हो चुका है, या फिर कैसे हमारी ऑडियंस है जो आज हमसे इंगेज हुई है, इसके बारे में आप मुझे सब कुछ बता दीजिए कैसा चल रहा है अभी हमारा सेशन। हॉबर्ट हेनरी केज और ये मैडम ओवर सीधा सीधा जीतेगी होबार्ट। अच्छा, होबार्ट सीधा सीधा जीतेगी, ओके। तो होबार्ट ही हमें लग रहा है कि होबार्ट जीतेगी। और लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये जो मैच है मेलबोर्न रेनेगेड्स और होबार्ट हेनरिकेज के बीच में, बहुत ज़बरदस्त मैच है ये। और देखिए, कहीं ना कहीं होबार्ट हेनरिकेज की टीम है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास विलानी है और हु विल टुडे। देखो जानवी जी, मैंने बताया था आपको कि होबार्ट हेनरिकेज इस मैच को जीत सकती है। और जो मेलबोर्न की कहीं ना कहीं बैटिंग थोड़ी कमज़ोर है, बट देखिए क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होबार्ट हेनरिकेज शायद जीत जाए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलेगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, हमारे जो लगातार है जो लाइव सेशन का जो चैट बॉक्स है एकदम झमाझम भरा हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि बहुत अच्छे से आज ये सेशन है जाने वाला है, क्योंकि लोगों के जो हमारे व्यूअर्स हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं वो रुक नहीं रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो राजेश कोरी जी हैं ये बता रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, हमारे साथ में आज क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज हमसे जुड़े हुए हैं जो आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी देते हैं और बीच बीच में हम भी आपसे कुछ क्वेश्चन हैं कि 1,00,000 लगा दे रहा हूँ होबार्ट पर। जी बिल्कुल, आप 1,00,00,000 लगा दीजिए होबार्ट पर, मुझे ऐसा लगता है जीतेगी। ट्रंप एम के वकील से मैडम, अगर मेरी प्रेडिक्शन सही हुई तो क्या मिलेगा? अगर सर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप जीत सकते हैं मैक्सिमम 500 का कैश प्राइज। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है और प्रिडिक्शन के रूल्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको दो इनिंग में आपको बहुत सारे सेशंस मिलते हैं। और अगर हम बात करें पहली इनिंग की, तो फर्स्ट इनिंग में आपको 4 सेशंस मिलते हैं और पहला सेशन होता है 6 ओवर तक का, यानी कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि बैटिंग करने वाली टीम शुरू के 6 ओवर में कितने रंच बनाएगी। और ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ 4 ओवर तक। तो फटाफट से लाइव चैट में जुड़ जाइए, पोल कीजिए और लाइव चैट में प्रिडिक्ट करके बताइए कि बैटिंग करने वाली टीम शुरू के 6 ओवर में कितने रंच बनाएगी। ये मीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, कशिश जी आप ही जरा पढ़ के दिखाओ, क्योंकि हमें तो ये बड़ा असंभव नजर आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो मुझे भी थोड़ा असंभव नजर आ रहा है अभी जी। आप मीर जी आप थोड़ा सही से लिखेंगे। ट्रंप पिक बोलो आज का चर्चा आज की चर्चा हो सकता है ये ट्रंप पिक। अच्छा। आज की चर्चा। अच्छा। और जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में लिखे, आप हिंदी में भी लिख सकते जी हैं। कह रहे 1,00,000 नहीं 10,000 है, वो अच्छे से देखो। अच्छा जी बिल्कुल, मैंने तो ये आपकी प्रेडिक्शन की थी, आप 10,000 नहीं 1,00,000 लगाइए, बिल्कुल आपको जीतने का फुल मौका मिलेगा। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। के ऑलराउंडर का प्रेडिक्शन आ गया है 6 ओवर में 28 रन और उसके बाद साहू। हाय हेलो सर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जल्दी से आ जाइए, सबसे पहले पोल कीजिए और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस लाइव को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नोन में शेयर करते हैं तो आपके साथ
उनको भी मौका मिलता है कैश प्राइजेस जीतने का। और यहाँ पर हम आपको बता दें होबार्ट हरिकेन्स और यहाँ पर जो दूसरी टीम के बीच में जबरदस्त मैच होने वाला है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन और सारी नॉलेज यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। और मेरे साथ मनोज भी हैं, जो जो नए व्यूअर्स आए उनको भी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि इस मैच का पूरा मजा आप लोग अच्छी तरीके से ले पाए। और हम तमाम सारे लोग आपके साथ पूरी तरीके से बने हुए हैं, इसलिए आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों टीमें जो हैं बहुत ही जबरदस्त टीमें हैं, इनके टॉप पिक्स आप क्या लेना चाहेंगे मनोज? जी मुझे ऐसा लगता है कि एलिस विलानी और ड्यूप्रूज और ली अच्छा कर सकती हैं, लेकिन देखिए आज आप कमेंट पढ़िए, बड़े मज़ेदार कमेंट आ रहे हैं कि कप्तान आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप विलानी को बना सकते हैं और मैं आज पूरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। बिल्कुल आप लगा दीजिए, पूरी प्रॉपर्टी लगाने को तैयार है। और इस आप लगाइए अपनी प्रॉपर्टी तो ढंग से लगाएं, इसके लिए हम आपको पूरी नॉलेज भी देने को तैयार है। फैंटेसी पिक्स मनोज, क्या लगता है आपको आज मेलबर्न की टीम और होबार्ट की टीम में से फैंटेसी पिक्स आप किसको लेंगे? जी मुझे ऐसा लगता है टॉप तीन प्लेयर बता चुका हूँ मैं, विलानी, ड्यूप्रूज और कहीं ना कहीं जो ग्रहम है वो अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर लेती हैं, तो मैंने बताया कि ली, ड्यूप्रूज, विलानी और ग्रहम। और उधर से मैं लेना चाहूँगा एमी जॉन्स को और चमारी अत्तापट्टू को, और जैसे कि मैं बता दूं आपको एक प्लेयर और जो है वो प्रेस्टीज को ले लेंगे हम। प्रेस्टीज को ले लेंगे। और आप लोग साफ तौर पे इन सारे प्लेयर्स के नाम सुन रहे हैं, अगर आप नए भी आए हैं तो वापस से सुन लीजिए, ये सारे नाम मनोज ने बताए हैं ये आपकी फैंटेसी टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। चमारी अत्तापट्टू के बारे में अगर हम यहाँ पूरी बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त वो प्लेयर है चमारी अत्तापट्टू, यहाँ पर 32 साल की ये प्लेयर है, ऑलराउंडर है। और इनकी बैटिंग स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो T20 स्टैटिस्टिक्स उनकी ये कहती है कि 106 मैचेस में 104 इनिंग्स ये खेल चुकी है, 2181 रन इन्होंने बनाए, एक सेंचुरी और 5 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर ये है। और इसी के साथ टॉप फैंटेसी पिक्स में मनोज ने चमारी अत्तापट्टू का यहाँ पर बहुत पुरजोर तरीके से नाम लिया। और दूसरी टीम में सबसे जरूरी एलिस विलानी को बताया, तो एलिस विलानी के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो 33 साल की ये जो प्लेयर है वो राइट हैंडर बैटर है और बहुत ही जबरदस्त इनका करियर स्टार्ट है। इनके करियर स्टार्ट के बारे में अगर मैं आपको सब कुछ बताऊँ तो T20 करियर स्टार्ट इनकी ये कहते हैं कि 62 मैचों में इन्होंने 58 इनिंग खेली है और 1369 रन बनाए हैं, 50 से ज्यादा अर्धशतक इन्होंने मारे हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 90 रहा है, 177 चौके और 12 छक्कों के साथ ये बहुत ही अहम बन जाती है कहीं ना कहीं आपके टॉप पिक्स के लिए। तो तैयार रहिए, यहां पर बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है विमेन बिग बैश लीग 2022 का, ये 35वां मैच है और ये ओवल होबार्ट स्टेडियम में होने वाला है। और आज यहां पर तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रहेगा और हवाओं की रफ्तार लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर रहने वाली है। और इससे पहले जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो होबार्ट के मेलबर्न से हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत जबरदस्त है। प्लेयर्स टू वॉच, जैसा कि हमने आपको बताया चमारी अत्तापट्टू यहाँ पर है, काले लेसन के बारे में आप क्या बताएंगे मनोज, क्योंकि ये भी काफी फॉर्म में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लास्ट मैचों की बात करें तो इन्होंने 4 रन बनाए थे, उससे पहले 71 बनाए थे, सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 62 बनाए थे। तो बिल्कुल देखिए आज कमेंट्स की बहुत सारी बौछारें हो रखी हैं, तो बिल्कुल आप जी एक एक का चलो चश्मा वाले भैया, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, चश्मे वाले भैया की बड़े फैन है, लेकिन आपको सब कुछ बताना हमारी जिम्मेदारी है और ये बताते हम लगातार रहेंगे। और आप लोग सब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ एक एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके कमेंट्स भी होंगे। पोल बॉक्स में भी जाइए और बताइए कौन सी टीम जितवा रहे हैं आप, आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। प्रेडिक्शन का जो होगा किंग उसको मिलेगा जबरदस्त कैश इनाम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, कैश इनाम सिर्फ यही और बिल्कुल यही मिल रहा है कैश कर ले पर। मनोज हमारे साथ है, कशिश हमारे साथ है, कशिश बार बार आपको कॉन्टेस्ट के बारे में भी बता रही है और कल से कशिश का प्रेडिक्शन आई टेल यू बहुत जबरदस्त जा रहा है, तो प्रेडिक्शन के लिए आप कशिश से भी बिल्कुल ले सकते हैं। और साथ ही साथ मनोज आपको क्रिकेट की नॉलेज सारी दे ही रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं मिग्नोन डुप्रीज की, मिग्नोन डुप्रीज भी बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्म में नजर आती है। अभी जो BRHW के खिलाफ इनका मैच हुआ था उसमें 73 रन इन्होंने बनाए थे और उससे पहले मेलबर्न के खिलाफ इन्होंने कुछ खास रन नहीं बनाए, हालांकि सिडनी के खिलाफ इन्होंने 19 बॉलों में 26 रन बनाए थे। क्या कहना
कहना चाहेंगे मिग्नन डुप्रीस के बारे में आप? देखिए, साउथ अफ्रीका की है, कमाल की प्लेयर है, और ये देखो अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कम बॉल है, मतलब ज़्यादा बॉलें खेलेंगी कम रन बनाएंगी। हमेशा जो इनकी अप्रोच होती है वो हमेशा अटैकिंग होती है, और हमेशा ये रन बनाने के लिए देखती है कहीं ना कहीं। तो डुप्रीस मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, और इनको बिल्कुल मैं फैंटेसी टीम में भी मैंने पिक किया है, तो डुप्रीस वॉच आउट प्लेयर होंगी। तो आप सब लोगों की निगाहें जो बनी रहनी चाहिए वो अटापटू से लेकर, लेसन से लेकर, डुप्रीस से लेकर और ग्राहम तक बनी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ बॉलर्स को अगर देखें तो शबनीम इस्माइल और सारा कोच के बारे में भी पूरी तरह से आपकी निगाहें इन पर बनी रहनी चाहिए, और मैसी गिब्सन और मॉली स्ट्रानो के पर भी आपकी निगाहें यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं मनोज शबनीम इस्माइल के बारे में? देखिए, एक मात्र महिला गेंदबाज है जो काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। देखो, 125 और 30 के बीच में रफ्तार से गेंदबाजी करती हैं, इनके पास बाउंसर्स बहुत ज़्यादा हैं और पेस वेरी भी बहुत अच्छा है। और ये देखो, साउथ अफ्रीका की ये प्लेयर है तो अच्छी गेंदबाजी करती हैं, देखिए कहीं ना कहीं। और जब आपके पास पेस होता है तो आपका कहीं के आपके पास जो स्लोर रन का जो ऑप्शन होता है वो बड़ा शानदार हो जाता है, शानदार हो जाता है आपका ये ऑप्शन, ये बता रहे हैं मनोज। और यहाँ पर बात कर देते हैं होबार्ट की। होबार्ट लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, इस टीम के बारे में मनोज आपके क्या कॉमेंट्स हैं? होबार्ट को जैसे कि मैंने बताया कि होबार्ट में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जो जिता सकते हैं, जैसे कि विलानी हो गई, और मैंने आपको बताया था कि डुप्रीस और ग्रैम, ये अच्छी प्लेयर्स हैं यहाँ की। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेलबर्न और होबार्ट जब आपस में भिड़े थे तो 28 मार्च 2022 को भिड़े थे, जहां पर होबार्ट जीती थी। उससे पहले जब आपस में भिड़े थे तो भी कहीं ना कहीं होबार्ट ही जीती थी, और उससे पहले भी जब भिड़े थे तब मेलबर्न जीती थी, और उसके पहले होबार्ट, उसके भी पहले होबार्ट। तो 5 में से सिर्फ एक मैच कहीं मैं कहूँ तो मेलबर्न जीती है, बाकी सब एक तरफा होबार्ट जीती है। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड जब आपस में ये भिड़े थे उसका जो पूरी तरह से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है वो साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं होबार्ट का यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो है पलड़ा भारी है। लगातार आप लोग हमें कमेंट्स करते जा रहे हैं, मनोज सारे कमेंट्स को चेक कर रहे हैं। मनोज, होबार्ट के विनिंग के 100% यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं, चांसेस हैं, राजेश जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, और मोहम्मद शबीर कह रहे हैं कि पावर प्ले में 2 विकेट गिरेगा ही गिरेगा होबार्ट, लेकिन जीतेगा। क्या कहना है मनोज आपका? होबार्ट शायद, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि होबार्ट जीत सकता है, तो देखिए मैंने कहीं ना कहीं मुझे भी यही लग रहा है कि होबार्ट जीत सकता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कैंपियन है और वो जिता सकता है, जैसे विलानी हो चाहे डुप्रीस हो, तो उनके पास एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के सहारे वो बिल्कुल जीत सकते हैं, ये कहना है मनोज का। और लगातार हम आपके कमेंट्स को भी देख रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए पोल सेक्शन में, और पोल सेक्शन में कर दीजिए पोल की कौन जीत सकता है, मेलबर्न या फिर होबार्ट। अभी देख लेंगे तो 64% मेलबर्न के साथ है और होबार्ट के साथ 36%। और इसी के साथ अगर आप अपना प्रिडिक्शन भी ज़बरदस्त रखते हैं तो आप भी ज़बरदस्त इनाम जीत सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए प्रिडिक्शन अपना तेज़ रखिए, बस कुछ ही देर में ये मैच शुरू हो जाएगा और आपके प्रिडिक्शन की हम सबको दरकार रहेगी। जो भी बिल्कुल एक्यूरेट करता है उनको मिलेंगे शानदार वोट, शानदार इनाम, कैश इनाम मिलेंगे, और ये जो कैश इनाम है आप भी जीत सकते हैं। उसका फॉर्मूला बस बहुत सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा लोग खेलिएगा, जितने ज्यादा लोग खेलेंगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी आएगी, उतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेट जिसने प्रिडिक्शन किया वो 100% कैश इनाम जीतेगा, मात्र कुछ घंटों में कैश इनाम आपके खाते में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने यहां पर दे रखे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक, आप उसको एक्सेस करना है, आपको बताना है कि आप है, आपको स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं और अपना वेरिफिकेशन भेजना है, और वेरीफाई होते ही आपको मिल रहा है यहां पर इनाम। बात कर रहे हैं हम होबार्ट और मेलबर्न की, क्या लगता है कशिश आज आपको क्या कुछ होने वाला है? क्या आप लोगों के साथ हैं कि बिल्कुल होबार्ट ही जीतेगी, या आपका कुछ अलग से कहना है? बिल्कुल, यहां पे जो होबार्ट का जो पलड़ा रहने वाला है वो आज कहीं ना कहीं भारी है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के अगर हम लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मेलबर्न का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 मैचेस में से सिर्फ एक मैच मेलबर्न ने जीता है लास्ट परफॉर्मेंसेस में, और 4 मैच मेलबर्न ने हारे हैं। वहीं अगर होबार्ट की बात की जाए तो सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में होबार्ट का जो पड़ रहा है वो भारी रहने वाला है। लेकिन अगर जैसे कि हम हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस में दोनों ही टीम्स बराबर पे हैं, क्योंकि लास्ट 10 मैचेस में
पांच मैच ही मेलबोर्न ने जीते हैं और पांच मैच ही होबर्ट ने जीते हैं। तो आज का मैच भी कहीं ना कहीं मेलबोर्न भी जीत सकता है, चांसेस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के 50-50 हेड टू हेड रहे हैं, 50-50%। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अगर हम रियल टाइम विन के अकॉर्डिंग देखें और स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के बेस्ड पर देखें तो होबर्ट के कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं आज के मैच में जीत। मनोज जी, अगर पॉइंट टेबल पर बात करेंगे तो जो रेंगेज है वो कहीं ना कहीं 7वें नंबर पर है और हरिकेन्स जो है वो 5वें नंबर पर है। क्या लगता है आपको कि आज इसमें कुछ तब्दीली दिखा सकते हैं अपनी रन रेट से? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हेनरिकेज और आगे चली जाएगी और होबर्ट जो 7वें नंबर पे ही रह जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि होबर्ट, देखिए क्रिकेट है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हेनरिकेज आसान से ये मैच जीत जाएगी। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर हरिकेन्स के साथ यहाँ पर मनोज जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने फैंटेसी 11 में विकेट कीपर आपको किसको ले रहे हैं मनोज? ली को। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि ली हैं और उसके बाद चमारी अट्टापट्टू हैं, डीप रोज हैं, एलिस विलानी हैं और ग्रैम भी मैंने आपको बताया था, और स्मेल जो हमारी गेंदबाजी के लिए होंगी। तो मैंने ये प्रेडिक्शन पहले भी कर दी थी और वापस से अगर आप सुनना चाहते हैं तो जो कप्तान है वो कहीं ना कहीं ली को और जो वाइस कैप्टन है वो ग्रैम बन सकती हैं। वाइस कैप्टन ग्रैम बन सकती है और बैटर्स अगर मैं बताऊं तो चमारी अट्टापट्टू, मिग्नन डुप्रीज और एलिस विलानी को आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर को आप अगर लेना चाहें तो सोफी को आप ले सकते हैं, हीदर ग्रैम है, निकुला खेरी है, बॉलर्स में शबनम इस्माइल जैसा कि मनोज ने कहा, मॉली स्टानो और मेसी गिब्सन है। इस टीम को भी आप पूरी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब मात्र कुछ देर 35वां मैच शुरू होने में है और यहाँ आपको मैच का पूरा आंखों देखा हाल हम बताने वाले हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर हम बताने वाले हैं तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। टॉस जीती है हबर्ट है हरिकेन्स विमेन की टीम और यहाँ पर पूरी पावर पैक टीम या कहीं ना कहीं है महिलाओं का। ये क्रिकेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो रहा है। मनोज, क्या कुछ आपको सबसे ज़्यादा खास बात लगी विमेन्स बिग बैश लीग की? जी देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स हैं और थोड़ी जो बॉलर्स के कंडीशंस में ज़्यादा फेवर करती है ये टीम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप एक्स्ट्रा स्विंग खेलते हैं, एक्स्ट्रा सीम कंडीशंस को खेलते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका भी जो क्रिकेट है उनका स्तर उठना चाहिए, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो। जितनी वुमेन्स ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतना हमारा जो वुमेन्स का स्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठ जाएगा। और आजकल तो वैसे भी लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ना ही मैं ये कहूँगा कि मेंस की भी वुमेन्स भी काफ़ी लीग हो रही है, चाहे BBL की बात करूँ। और इस बार IPL ने भी ये किया कि IPL वुमेन्स का भी होने वाला है, 100 balls की लीग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है उनको उठाव तो मिला ही है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट उनका उठ रहा है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रिडिक्शन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं कि 6 ओवर में, 10 ओवर में, 15 ओवर में, 20 ओवर में कितने रन बनाएगी बैटिंग करने वाली टीम, तो आप जाहिर तौर पर एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने वाले को सीधा कैश इनाम मिल सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हबर्ट, हरिकेन्स और मेलबर्न के बारे में और बहुत ही ज़बरदस्त ये दो टीमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेल रही हैं और ऐसे में किस तरफ जाएगा मैच का पलड़ा, आंकड़े